आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के जनपद पंचायत हनुमाना के ग्राम पंचायत बलभद्रगढ़ में ग्रामीणों के अंदर सरपंच और सेक्रेटरी के कार्यशैली और उनके दहशतगर्दी के कारण हाहाकार का माहौल चल रहा है। बलभद्रगढ़ ग्राम पंचायत में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए और भ्रष्टाचारी सरपंच और सेक्रेटरी के खिलाफ जमकर विरोध करते हुए उनके भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर बोले। कहाँ से हैं आप, नाम क्या है आपका? लाडली बहना योजना का फॉर्म जो मुख्यमंत्री द्वारा भरवाया जा रहा है, 1000 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, उसका फॉर्म भरवा गया क्या आपके? ग्राम पंचायत नहीं गए आप? सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई? क्या नाम है आपका? लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवा गया आपका? ग्राम पंचायत कौन सी है? सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा कोई सूचना दी गई? ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लाडली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया गया है। साथ ही इस योजना में पात्र महिलाओं का फॉर्म भरने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी को घर घर जाकर फॉर्म भरने के लिए बोला गया, पर मामा के मंसूबों पर बलभद्र सरपंच और सेक्रेटरी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पंचायत में अभी तक न तो फॉर्म भरा जा रहा है और न ही कैंप लगाया जा रहा है। सरपंच सेक्रेटरी द्वारा गांव वालों को बोला गया है कि जो ग्राम पंचायत भवन में आएगा उसी का फॉर्म भरा जाएगा, जो नहीं आएगा उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और जो पंचायत भवन जाता भी है उसके फॉर्म नहीं भरे जाते। हाल ही में सेक्रेटरी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा गर्भवती महिला का फॉर्म भरने के लिए जानकारी लेने के लिए सेक्रेटरी के पास फोन किया गया, जिसमें सेक्रेटरी शरद गिरी द्वारा ग्रामीणों को उल्टा सीधा बोला गया और यह भी कहा गया कि हम ऐसे ही काम करेंगे, तुमको जो करना हो करो, बहुत पावर वाले हो तो मेरी नौकरी से हटवा देना। इतना बोलकर वह फोन काट दिए। क्या नाम है आपका? किस पंचायत से? ग्राम पंचायत बलभद्रगढ़ से। बलभद्रगढ़ में क्या परेशानी है? देखिए सर, परेशानियाँ तो बहुत है। आपने जैसे अभी आपने सुना ही लोगों से जी, यहाँ पर लाडली बहना का फार्म नहीं भरा जा रहा है। यहाँ पर सभी गरीब और मजदूर लोग हैं जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी भी है जी, और आज डिलीवरी भी है। तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो लोग 5 किलोमीटर जो ग्राम पंचायत है, ये पंचायत भवन में भरा जा रहा है जी, वहाँ पर ये लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई किसी योजना का लाभ बताया नहीं जाता है। यानी जैसे लाडली बहना का फार्म भरा जा रहा है तो यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। ऐसा ही लोग आभास हो रहा है कि वहाँ फार्म भरा जा रहा है, कर्मचारी वहाँ पर हैं, फार्म भर रहे हैं, पर यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरी पंचायत में कितनी पात्र महिलाएँ हैं लाडली बहना योजना? 1000 महिलाएं हैं, 1000 तक, ठीक है। बात उनमें से कितनी महिलाओं का फॉर्म भरा गया? मुझे तो नहीं लगता कि एक भी महिलाओं का फॉर्म भरा होगा उकसा पंचायत उकसा के लोगों को। जैसा कि अभी यहाँ से जानकारी मिली कि यहाँ एक भी आवास योजना के तहत किसी को घर नहीं है। यहाँ पर जो भी योजना आती है सरकार की तरफ से, वहाँ से तो बता दिया जाता है ये योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, इस योजनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुँचेगा, मगर यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती। सरपंच के माध्यम से, ससु के माध्यम से, सिर्फ पंचायत तक ही रह जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुन्ना भारती। कहाँ से हैं आप? ये ग्राम उत्तर है, ग्राम पंचायत बलभद्रगढ़ हमारी है जी। हमारे ग्राम पंचायत बलभद्रगढ़ में 4 राजस्व आते हैं जो उत्तर से नहीं। क्या समस्या है पंचायत? हमारे यहाँ तो बहुत समस्या है। हमारे यहाँ न लाडली बहना का कोई फार्म भरा जा रहा है जी, न हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में किसी का नाम आया, न किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला जी। अब क्या क्या समस्या बताएं? यहाँ कुछ कोई सरकार की सुविधा ही नहीं मिल रही हम लोग। सरपंच और सेक्रेटरी को इस बात की सूचना है ना? अरे वो क्या होता है कि उनको सूचना है कि नहीं सूचना। हम लोग मऊगंज एक बार गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जी, तो वहाँ बोले थे कि लाडली बहनाओं के लिए घर घर हमने अपने कर्मचारियों को भेजूंगा जी,
लेकिन हमारे यहाँ तो आज तक कोई आया ही नहीं उकसाने। सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा गांव में कैंप नहीं लगवाया जाता? कोई कैंप लगवाया नहीं गया, कोई सूचना नहीं मिली गई तो कैंप क्या लगेगा? कोई सूचना नहीं मिल रही है तो कैंप कैसे लगेगा सर? यहाँ कोई आता है, अगर कोई संपर्क जोड़ा जाता है तो डांटते हैं, कहते हैं चलो हटो, हमारी नौकरी खा जाना। गांव में कितनी महिलाएं हैं, कितनी पात्र महिलाएं? 800-900 की आबादी है, जिसमें मतलब 500-600 महिलाएं पात्र हैं। जिसमें से अभी तक कितने महिलाओं का फॉर्म भरवा गया? एक भी नहीं भरा गया है। चूतिया बनाया जाता है ग्राम पंचायत भवन में, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है बलभद्रगढ़ पंचायत जो मुख्यालय है जी, तो वहाँ जो है तो मतलब लोगों को बुला बुला करके परेशान करते हैं। धूप में लोग जाती हैं महिलाएं, और लोग बता देते हैं सर बट डाउन है कल आना। दिन भर बेचारी बिना पानी बिना खाना बैठी रहती है ले लेके बच्चों को जी, और शाम को लौट आती है। यही चल रहा है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान कर किया जाता है। ऐसा कौन बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं? माननीय जी मुख्यमंत्री जी बोले थे। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। कहाँ से है? क्या परेशानी है आपके पंचायत? परेशानी बहुत है, बताइए। हमको पानी भी पता नहीं, घर भी पता नहीं, घर आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिला है। कोई अब पे नहीं आ ही नहीं, तो कोई बात ही आए दोनों अधिकारी नहीं होते। ग्राम पंचायत में कितने लोगों को आवास मिला है? कोई नहीं, कोई नहीं। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में अभी एक भी आवास नहीं, नहीं। उकसा मौजा में हमारे नहीं आवास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मतलब प्रजा। कहाँ से हैं? क्या परेशानी है? परेशानी ये है साहब, यहाँ हमारे यहाँ अपनी बस्ती है जी, तो कोई मतलब यहाँ अधिकारी आकर मतलब वहाँ बाहर से ही बोलते हैं कि नहीं मतलब सब यहाँ व्यवस्था हो चुकी है जी। तो यहाँ व्यवस्था क्या हुई है, आप लोग सब यहाँ के हम पति बोल रहे हैं, निर्या रहे हैं, कह रहे हैं, तो लोग कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा ये है कि मतलब आप लोग आए इंडिया वाले, तो भाई थोड़ा सा आदेश दे दीजिए कि मतलब हमारा उत्साह भी सुधरे, गरीब आदमी थोड़ा अपना कुछ पाए, आवास मिले। हम लोग गरीब आदमी मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, हम यहाँ पंचायत में काम कराते हैं, हमारे लेबर।